हलचल टीवी न्यूज। समाज और समूह भाईचारे के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पटियाला के पासवानों ने आपसी सहमति के साथ यूनाइटेड पटियाला पार्सर्स एसोसिएशन का गठन किया। इस मौके पादरी राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वो सबको सबसे पहले नए साल की बधाई देते हैं और उन्होंने कहा कि पटियाला में कब्रिस्तान 120 साल पुराना है और वो सरकार से मांग करते हैं कि कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट की जाए और कब्रिस्तान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो और संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। कि कोई भी हमें कब्रिस्तान के लिए जो लेटर दिए गए, जो भागदौड़ हुई, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। इसकी वजह से आज ये मीटिंग की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि हमारी बात इनके द्वारा सरकार तक पहुंचे कि सरकार हमें एक तो कब्रिस्तान जो कि बहुत ही ज़रूरी चाहिए इस पटियाला के लिए, और दूसरा कम्युनिटी हॉल जिसमें हम लोग अपने धार्मिक विचारों को और धार्मिक कामों को उसमें बैठ कर सकें, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनती तो हम इसका रोष प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार जान ले। पटियाला से हलचल टीवी के लिए बलजीत सरना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।